इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो। भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है, यह चाइना भी स्वीकार करता है। अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है। चीनो स्वीकार करछे भारत एखन अन्यतम वैश्विक आर्थिक शक्ति, बोलें राजनाथ सिंह। चीनेर राष्ट्र नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स प्रकाशित एक साम्प्रतिक निबंधे भारत समृद्धि एवं एर क्रमबर्धमान वैश्विक मर्यादार प्रशंसा करा हुए छे। लंडने भाषण दीते गए केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्लोबल टाइम्स उद्धृति दिए बोलें, भारत प्रति बेजिंग दृष्टिभंगी व्यापक भावे परिवर्तित हुए छे। एक कौशलगत शक्ति हिसाब से नया दिल्ली द्रुत उत्थान हुए छे। ग्लोबल टाइम्स चीनेर मुखपत्र आमी भारते की देखेछी शिरोनामे एक निबंध प्रकाश करेछे। सेई निबंधटी भारते प्रति चीना दृष्टिभंगीर परिवर्तनेर आभास पावा जाच्छे। मने होच्छे चीन सरकार मेने नियेछे आमादेर अर्थनैतिक ओ बैदेशिक नीतिगुलि, सेई संगे आमादेर परिवर्तित कौशलगत स्वार्थ भारतके एकटी गुरुत्वपूर्ण वैश्विक अर्थनैतिक शक्ति एबं एकटी कौशलगत शक्ति हिसाबे प्रतिष्ठित होते साहाज्य करेछे। राजनाथ सिंह बोलेन, আমরা কাউকে আমাদের শত্রু হিসাবে দেখি না, কিন্তু বিশ্ববাসী সচেতন যে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমানে ভালো চলছে না। তবে আমরা আমাদের সমস্ত প্রতিবেশী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসের সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, গ্লোবাল টাইমসে কলামিস্ট লিখেছেন, চীন সরকার এখন স্বীকার করছে যে বিশ্বস্তরে ভারতকে উপেক্ষা করা যাবে না। চীন সরকার এখন স্বীকার করে যে আপনি ভারতকে পছন্দ করুন বা না করুন, ভারতের ভাবমূর্তি এবং ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অবস্থানকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। অতীতে যখন বাণিজ্য ভারসাম্য নিয়ে চীনের সঙ্গে আলোচনা হতো, তখন উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্য কমাতে বেইজিং এর উপর নির্ভর করত ভারত। এখন আর সেই অবস্থাও নেই ভারতে। এখন শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথা শুনছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। इकोनॉमी की साइज के मामले में देखा जाए, हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हुआ है, जो कि 2014 में दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में था, यानी 10वें स्थान पर था। आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया, और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, उन्होंने कहा है, मॉर्गन स्टेनले ने कहा, फर्म ने कहा, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते यानी आज के लगभग 3 साल के बाद यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो। और दुनिया की अन्य सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं, उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री है। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है, धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है। ग्लोबल टाइम्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। एक वहां के माने जाने राइटर, शायद नाम गलती हो सकती है, इससे जैंग जोड़ियांग या कुछ ऐसे ही नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया। यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि
चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया। चाइना गवर्नमेंट भी यह मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है, यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि जो है चाइनीज गवर्नमेंट का यह बहुत ही पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना तो के बारे में यह धारणा है, वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ यह होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। সংবাদ এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।